फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट में का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्टील शाफ्ट टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट एट 200 आरपीएम। द अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस फॉर स्टील में बी टेकन इज 360 मेगा पास्कल एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 8। इसमें दिया हुआ है आपको एक सॉलिड स्टील शाफ्ट का डायमीटर निकालना है जहाँ पर पावर ट्रांसमिट 20 किलोवाट हो और स्पीड इसकी 200 आरपीएम हो। अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस इसमें लेना है 360 मेगा पास्कल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 लेना है। इसके अलावा अगर हम यहीं पर इसी कंडीशन पर हॉलो शाफ्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इफ़ अ हॉलो शाफ्ट इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द सॉलिड शाफ्ट फाइंड द इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर व्हेन द रेशियो ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर इज 0.5। इसमें यह दिया हुआ है कि अगर हम जो सॉलिड स्टील शाफ्ट है उसकी जगह पर अगर हम हॉलो स्टील शाफ्ट का यूज करते हैं इसमें हम पावर यही रहेगा, स्पीड यही रहेगी और शेयर स्ट्रेस ये रहेगा और इसमें हमको इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर निकालना है जब हमको इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर का रेशियो 0.5 दिया हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व में क्वेश्चन गिवन लिखेंगे, पावर पी इक्वल टू दिया है 20 किलोवाट, पी इक्वल टू 20 किलोवाट, इसको वाट में चेंज किया तो 20 इंटू 10 बेस टू क्यू वाट हो गया। स्पीड दिया हुआ है 200 आरपीएम तो एन इक्वल टू 200 आरपीएम। अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है 360 मेगा पास्कल तो टाउ यू इक्वल टू हो जाएगा 360 मेगा पास्कल, इसको कन्वर्ट किया तो 360 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गया अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 8 तो एफ ओ एस इक्वल टू 8 फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें आपको रेशो दिया हुआ है इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर का जिसका 0.5 है तो के इक्वल टू डी आई अपॉन डी ओ इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है। ये हमको गिवन दिया हुआ है, पी इक्वल टू 20 किलो वाट, 20 इंटू 10 बीस टू क्यू वाट हो जाएगा। एन दिया है 200 आरपीएम, अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस 360 मेगा पास्कल, 360 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 दिया है और डी आई अपॉन डी ओ दिया हुआ है 0.5। तो इसके लिए यू नो दैट अलाउेबल शेयर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो शेयर स्ट्रेस अगर आपको निकालना तो ये फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस आपको ये दिया हुआ तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 360 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये दिया हुआ तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 360 अपॉन 8 करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये आ जाएगा शेयर स्ट्रेस। डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट निकालना है, सबसे पहले तो क्या निकालना था डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट तो डी इक्वल टू जो कि लेंगे हम इसमें डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट, चूंकि वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट होता है टी इक्वल टू पी इंटू 60 अपॉन 2 पाई एन, पी रखेंगे 20 इंटू 10 बेस्ट क्यू इंटू 60 अपॉन 2 पाई इंटू एन रहेगा 200। सॉल्व करेंगे तो 955 न्यूटन मीटर, 955 इंटू 10 बेस्ट क्यू न्यूटन एमएम हो जाएगा टॉर्क ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड के बाद तो हम इसमें वी आल्सो नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट का टॉर्क ट्रांसमिटेड का फार्मूला होता है ये वाला टी इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू टाउ इंटू डी बेस टू क्यू। टी हमको निकला हुआ 955 इंटू 10 बेस टू क्यू, पाई बाई 16 इंटू टाउ 45 है और डी बेस टू क्यू। सॉल्व किया इसको तो 8.84 डी बेस टू क्यू हो गया। इसको फिर कन्वर्ट किया तो यहाँ पर हो जाएगा डी बेस टू क्यू इक्वल टू 955 इंटू 10 बेस टू क्यू अपॉन 8.84, 108032 आएगा इसका सॉल्यूशन। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 47.6, इसको हम 50 एमएम ले सकते हैं तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट आ जाएगा 50 एमएम। इसके बाद कंडीशन दे दी, यदि हम इसी को हॉलो शाफ्ट लेते हैं तो उसमें हमको डायमीटर निकालना है दोनों का, तो डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट के लिए दो डायमीटर रहेंगे, एक डी आई रहेगा जो कि रहेगा इनर डायमीटर, एक डी ओ रहेगा जिसका रहेगा आउटर डायमीटर। तो इनर डायमीटर आउटर डायमीटर रहेगा डी आई और डी ओ। वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द हॉलो शाफ्ट टी इक्वल टू फार्मूला होता है टी इक्वल टू पाई बाई 60 इंटू टाउ इंटू डी ओ बेस टू क्यू माइनस वन माइनस के बेस टू 4, ये फार्मूला लगाना है। इसमें हमारे पास टॉर्क दिया है 955 10 बेस टू क्यू पाई बाई 16, टाउ 45 है, डी ओ बेस टू क्यू माइनस वन माइनस के दिया होता 0.5 तो बेस टू 4 हो जाएगा। सॉल्व किया तो 0.83 इंटू डी ओ बेस टू क्यू हो जाएगा। यहाँ पर डी ओ बेस टू क्यू इक्वल टू हो जाएगा 955 इंटू 10 बेस टू क्यू अपॉन 8.3। सॉल्व करेंगे तो 11560 आ जाएगा, तो आउटर डायमीटर डी ओ आ जाएगा इस क्यू हटाने पर 48.6,
इसको हम 50 mm कह सकते हैं, आउटर डायमीटर ये आ गया। क्योंकि आपको डी आई अपॉन डी ओ इक्वल टू 0.5 दिया था, तो उस कंडीशन पे हम डी ओ की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी ओ 0.5 इंटू 50 हो जाएगा 25 mm, तो डी आई इक्वल टू हो जाएगा 25 mm। इस टाइप से हम इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर निकाल लेते हैं। इनर डायमीटर आ जाएगा 25 mm, तो आउटर डायमीटर आ जाएगा 50 mm।